सभी बैंकों से आपको यहाँ पे लोन है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और बहुत ही सुंदर फ्लैट्स बने हुए हैं। 80% तक लोन भी हो जाता है। 80% तक आप लोगों को लोन हो जाएगा किसी भी बैंक से। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। मैं हूँ शिल्पी और जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा फ्लैट आज मैं आपको दिखाने आ गई हूँ जो कि वृंदावन योजना में है। तो चलिए इन फ्लैट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और बात करते हैं गणेश जी से। आइए गणेश जी, तो चलिए आज आप नया क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं, क्या बताने वाले हैं, बताइए। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा अपने व्यूवर्स का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे विजिट किया, यहाँ पे बुक किया, उनके लिए थैंक यू। उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि CND टावर हमने रिसेंटली सितंबर में लॉन्च किया था, तो उसमें काफ़ी तेजी से हमारा सुपरस्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, कम्प्लीट हो रहा है। तो ये वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे सैंपल फ्लैट नए व्यूवर्स के लिए और दूसरा सैंपल रहेगा जो यहाँ पे बुक कर चुके हैं या बुक करने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए कंस्ट्रक्शन अपडेट भी रहेगा। तो हम लोग आपको सैंपल फ्लैट जो है वो दिखाने वाले हैं। तो आइए, ये कुछ इस तरीके की एंट्री रहेगी। ये आपको पूरा हॉल मिलने वाला है, इस तरह का आपको हॉल मिल जाएगा। किस तरीके से आप अपने हॉल को डेकोरेट कर सकते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से देख के आइडिया ले सकते हैं। एंड हॉल में ही आप डाइनिंग का स्पेस भी बना सकते हैं। और इस तरफ आपको मिल जाता है एक स्टडी रूम, 2 BHK प्लस स्टडी है ये। तो यहाँ आपको स्टडी रूम मिल जाता है, आप इसे जैसे चाहे यूज करें, पूजा घर बना लें या जिस तरीके से भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। एंड इस तरफ ही आपको मिल जाती है किचन, एंड किचन के इस तरफ भी आपको विंडो मिल जाएगी। मेन इस फ्लैट में या मोस्टली फ्लैट में वेंटिलेशन और लाइटिंग वगैरह हमेशा रहती है क्योंकि हर तरफ आपको विंडो मिल जाती है। और इस तरफ आपको मिल जाएगी बालकनी। बालकनी मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है जहाँ पे आपको बड़ी बालकनी मिलती है, तो लोगों को बड़ी बालकनी चाहिए होती है, लेकिन बालकनी थोड़ी छोटी मिलने वाली है जो कि ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या साइज आपको मिलने वाला है बालकनी का। इस तरफ हो गया कॉमन टॉयलेट, हमें मिल जाता है टॉयलेट एज इट इज आपको मिलने वाला है इस तरीके का। और इस तरफ हमें एक बेडरूम मिल जाता है और ये आपको वार्डरोब के लिए स्पेस है, वार्डरोब के लिए इस तरफ स्पेस मिल जाएगी। एंड साथ में आपको यहाँ बालकनी मिल जाएगी, एक बालकनी होगी जो आपके दोनों बेडरूम से अटैच आपको मिल जाएगी। आइए, तो ये आपका सेकंड बेडरूम हो गया, इसमें भी आपको, इसमें आपको टॉयलेट अटैच मिल जाएगी। ये मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे आपको टॉयलेट इस तरीके से अटैच मिल जाएगी। और ये जो बालकनी है उससे आपके दोनों रूम कनेक्टेड रहेंगे, काफी अच्छी वेंटिलेशन रहने वाली है। एंड इस तरफ भी आपको एक विंडो मिल जाएगी छोटी सी, एंड वार्डरोब के लिए आपको इस तरफ स्पेस मिल जाएगा। तो ये AB टावर है, जैसे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन अपडेट हम दे रहे हैं पुराने व्यूवर्स को कि AB में जो कॉर्नर के टावर्स हैं उसमें आउटर प्लास्टर और प्राइमर कवर हो चुका है, जो मिड में है टावर उसका भी हो चुका है, उधर कॉर्नर का भी हो चुका है। आप देख सकते हैं बालकनी का वर्क, प्राइमर, सभी चीज़ें हो चुकी हैं। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर क्या क्या कंस्ट्रक्शन अपडेट हो गया वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर दोस्तों। हर टावर में आपको ये एमिनिटीज फीचर्स देखने को मिलेगा ABCD में। ये आपका ड्रॉप ऑफ जोन है, यहाँ पे आप कार के थ्रू भी आ सकते हैं, किसी को ड्रॉप कर सकते हैं। ये पूरी एमिनिटीज आपको हर टावर में देखने को मिलेगी। तो लग्जरी सेगमेंट में चीजें आती हैं, लग्जरी टाउनशिप में से आपको मिलेंगी वो सारी चीजें बन जाएंगी। तो आपकी गाड़ी यहाँ से ही निकलेगी ना, तो आप किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए काफी ग्रैंड आपको डोर मिलेगा हर टावर में, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी के साथ काफी ग्रैंड लुक के साथ आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप अंदर आते हैं तो डबल हाइटेड आपको यहाँ पे वेटिंग लॉन मिल जाता है विद सोफा, AC, सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ताकि कोई गेस्ट आता है तो आप यहाँ पे उनको वेट करा सकते हैं। गेस्ट हैं आप, अगर घर पे नहीं हैं तो वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं या आप आके यहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ, रिसेप्शन एरिया होगा यहाँ पे, सिक्योरिटी पॉइंट से अच्छा रहेगा। सामने आप देख रहे हैं ये हमारी यहाँ पे डेली नीड्स के लिए शॉप रहेगी, इसको हम लीज आउट कर देंगे फैमिली मार्ट ऐसी तरह की किसी कंपनी को, ताकि सारा सामान वो डेली नीड यहाँ पे रखें। तो ये एमिनिटी से आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर रेडी है, जैसे पोजिशन होगा यहाँ पर पूरी टाउनशिप का ये भी रनिंग में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये डबल हाइटेड सेंट्रलाइज AC बैंकेट हॉल है, अप्रॉक्स 4000 स्क्वायर फीट का सेंट्रलाइज AC बैंकेट हॉल रहेगा। ये एमिनिटीज का पार्ट है जिससे हम AB टावर के साथ डिलीवर्ड करेंगे। तो ये हर टावर में अलग रहेगा? नहीं, ABCD टावर के लिए ये सेंट्रलाइज AC बैंकेट हॉल है। सेम इसी तरह CND में हम नीचे ग्राउंड फ्लोर को मर्ज करके यहाँ पे क्लब हाउस बनाएंगे, जिसके अंदर आपको जिम, इंडोर गेम्स, अदर तरह की एमिनिटीज देखने को मिलेंगी। मतलब सारी चीजें आपको आपकी टाउनशिप के अंदर मिल जाएंगी। ये AB का सेंट्रल पार्क को फेस करती हुई यूनिट्स हैं। इस यूनिट्स में कुछ अवेलेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, पार्क फेसिंग की लिमिटेड है, जो रेडी टू मूव देख रहे हैं उनको मिल जाएगा यहाँ पर।
ये ए बी टावर है जिसका इसकी हाइट है ए बी सी डी की हाइट है ग्राउंड प्लस 14। इसमें आपको सेंटर पार्क फेसिंग यूनिट्स अवेलेबल मिल जाएंगी जिनका परीक्षण जुलाई अगस्त में होगा। हमारे वो व्यूअर जिनको रेडी टू मूव यूनिट चाहिए वो इसमें देख सकते हैं, और जिनके पास टाइम है वो सी एन डी टावर में प्लान कर सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी यूनिट्स मिल जाएंगी, फ्लोर अच्छा मिल जाएगा, व्यू काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको। तो आप जैसे देख सकते हैं ये सी एन डी टावर्स हैं, इसमें हमारा 13 फ्लोर तक सुपर स्ट्रक्चर हो चुका है और 10-11 फ्लोर तक हमारा ब्रिक वर्क का वर्क हो चुका है, बालकनी का वर्क हो चुका है और साथ में चौखट का भी काम हो चुका है। तो इसमें पडेशन आपको आने वाले मार्च 2024 तक देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम एमिनिटीज़ को भी डेवलप कर रहे हैं, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत हमने गज़ेबो बनाया हुआ है, और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 32,000 स्क्वायर फीट का सेंटर पार्क डेवलप करेंगे। नीचे आपका बेसमेंट है कार पार्किंग के लिए, डबल हाइटेड बेसमेंट है। सी एंड डी टावर्स उन लोगों के लिए बहुत खास है, उन व्यूवर्स के लिए जो ए बी में नहीं ले पाए थे अपनी मनपसंद यूनिट, उनको सी एंड डी में कॉर्नर के फ्लैट्स, मिड के फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे, ओपन व्यू के फ्लैट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आगे के टावर में डबल हेड एंट्रेंस लॉबी का भी काम काफ़ी तेज़ी चल रहा है। तो ये हमारा 24 मीटर पे फ्रंट गेट रहेगा, आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस है। इस तरफ ग्रीनरी ऑलरेडी डेवलप्ड है और यहाँ पे ग्रीनरी उस साइड में डेवलप्ड की जा रही है। जब पहले हम लोगों ने बनाया था तो केवल एक ये बना था ना, एक काम का, अभी तो बहुत सारे आ रहे हैं। गणेश जी, मैंने टूर करा दिया आपके घर का और सभी को बहुत पसंद आया होगा, जैसे कि मुझे बहुत पसंद आया। आपको इससे पूरा आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से आप इसे अपने घर को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बताता हूँ ये 1036 इसका सुपर एरिया है जिसमें हम 2 BHK स्टडी बना रहे हैं और काफी अच्छे से हमने इसको कस्टमाइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं ड्राइंग का भी स्पेस है, डाइनिंग का भी स्पेस है, वहाँ पे आपको एक स्टडी रूम भी मिल जाएगा, देख सकते हैं इसको आप जिस तरह भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। और साथ में दो अच्छे आपको 12x10 के स्टैंडर्ड साइज़ के बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा। एमिनिटीज़ की बात करें, आपको यहाँ पे क्लब हाउस मिलेगा जिसके अंदर जिम, इंडोर गेम्स सारी एमिनिटीज़ होंगी। आपको स्विमिंग पूल यहाँ पे मिलेगा, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच और एक कमर्शियल हमारा स्पेस भी रहेगा जिसे हम लीज आउट करेंगे। बाउंड्री वॉल रहेगी आपकी, गेटेड टाउनशिप रहेगी, आवास विकास अप्रूव्ड है तो सारी अप्रूवल्स इसकी हैं, SBI से भी अप्रूव्ड है। और सबसे अच्छी बात है नियरेस्ट टू कैंट है, हमारे बहुत से आर्मी के फायर भाई लोग हैं जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, कैंट की सारी एमिनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। उनको रहता है आर्मी वालों को कि कैंट के नियरेस्ट में हो, आर्मी स्कूल्स हो गए, आर्मी के हॉस्पिटल्स हो गए, कैंटीन्स हो गए, वो भी अवेल कर सकते हैं। और मोस्टली सही बैंकों से अप्रूव, तो बैंक के जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, स्टाफ है, वो भी यहाँ पे काफ़ी लिया और ले सकते हैं। दोस्तों प्राइस रेंज की बात करें तो हमारे यहाँ पे बेसिक प्राइस आपका लगभग वही आता है 51 लाख, उसमें एडिशनल चार्जेस आ जाते हैं, कार पार्किंग आ जाती है, सबको क्लब कर दें मिला लें तो 54 लाख से लेके मोटा मोटा 57 लाख तक कॉस्टिंग जाता है। 10 से लेके 14 फ्लोर पर आप फ्लैट बुक करते हैं तो 54 लाख के आसपास आज की डेट में कॉस्टिंग है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे के फ्लोर थोड़े महंगे हैं, ऊपर के सस्ते हैं, तो 54 लाख से लेके 57 लाख तक आपको फ्लैट देखने को मिल जाता है। 54 लाख से 57 लाख इंक्लूडिंग एडिशनल चार्जेस एंड GST, रजिस्ट्री इसमें इंक्लूड नहीं है। आप आइए, विजिट कीजिए, बातचीत कीजिए, आप मिलेंगे जी। और ये जो नंबर है वो भी गणेश जी का ही है, तो आप विजिट करके देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा जी। और प्राइस समय के साथ बढ़ता रहता है तो आप कॉल करके एक बार जरूर कंफर्म कर लें प्रेजेंट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है। थैंक यू। तो चलिए, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।